नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ हमें हाजिर। खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेंगे आज की सुर्खियों पर। अभी हम दिखा रहे थे आपको सुर्खियां। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से आए दिन मरीजों की मौतें होती हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आसनसोल जिला अस्पताल में काली पहाड़ी इलाके की एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए दाखिल कराया गया था, लेकिन इसके बाद उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में काफी नाराजगी पसर गई और नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। ये दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट। एक गर्भवती महिला की मौत के विरोध में शनिवार को मृतका के परिजनों ने आसनसोल जिला अस्पताल में हंगामा किया। इन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। আমি কালকে জানলাম এখানে পরশু দিন ভর্তি করেছি আর দু তিন দিন আগে থেকে। এখন এলাম, এখন মানে সকালে খবর পেয়েছি তোর ব্লাড বেরোচ্ছে মুখ থেকে। এরা জানে ডবল বাচ্চা, তাও পাঁচজন মেরে দিল। কিসের জন্য ভর্তি করেছিলেন? ডেলিভারি কেসে। ডেলিভারি কেসে বাচ্চার একটা মেয়ের মরণ হয়, লজ্জা করে না। ডাক্তারে ডাক্তারকে ডাকছে, ডাক্তার আসতে পারে না। কোথায় থাকে? আমি পুরুলিয়ায় থাকি। আমার বোন এখানে থাকে আসানসোলে। কি নাম ওনার? আমার বোনের নাম হচ্ছে সুনিতা জয়সওয়াল। বেবির জন্য ভর্তি করেছিলাম, ডাক্তারকে বললাম ইকুইডেন বেবি আছে, ডাক্তার ওষুধ দিলে ঠিক বলে নর্মাল হয়ে যাবে। আগেবার নর্মাল হয়েছিল, এবারে নর্মাল হয়ে যাবে। ওই চেষ্টা করছি করছি। আমি বললাম সিজার করে দাও, ডাক্তারবাবু বললে সিজার করে মানে আগেবার নর্মাল হয়েছে, এবারেও নর্মাল হয়ে যাবে, তাহলে পরে সিজার করবে। করতে করতে হলো না, ফার্স্টে ডেট হয়ে গেল, মুক্তি ব্লাডিং করলো, সকালবেলা ডেট করলো। जानकारी के मुताबिक काली पहाड़ी इलाके की निवासी सुमिता जायसवाल को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर शनिवार सुबह इस महिला की मौत हो गई। इसके उपरांत परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा तथा इन्होंने अस्पताल परिसर में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। এসেছে, আমরা তদন্ত করে দেখছি ব্যাপারটা কি। পেশেন্টটা মারা গেছে, ভোরের দিকে মারা গেছে, 6:20 পৌঁছে মারা গেছে। এরকম না, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, তার আগেও ডাক্তারবাবুরা দেখেছিলেন আর কি। পেশেন্ট ভালোই ছিল এবং যে সার্জন দেখছিলেন আর কি, তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি যেটা আমাকে রিপোর্ট করেছেন তাতে উনি বলেছে যে তার টুইন প্রেগনেন্সি ছিল এবং পেশেন্টটা সেরকম লেবারে কিছু ছিল না, তার কন্ডিশন ছিল নর্মাল হয়ে যাওয়ার মতো। পরবর্তীকালে ভোরের দিকে পেশেন্টটা একটা চেস্ট পেন হয় এবং মুখ দিয়ে ব্লিডিং হয়, তো পেশেন্ট হঠাৎ করে কোলাপস করে যায়। তো মানে অল অনে সাডেন জিনিসটা হয়েছে এবং উনি বলেছেন এর সঙ্গে লেবারের কোনো সম্পর্ক নেই, ডাক্তারবাবু যেটা বলেছেন। इनका कहना था कि चिकित्सकों की लापरवाही के चलते ही सुमिता की जान चली गई। एक तरफ जहां सरकार अस्पताल में सुविधाओं की बेहतरी पर इतना ध्यान दे रही है, वहीं इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। खास बात आसनसोल। भारत में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा को लेकर बहुत सारे दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में चिकित्सा व्यवस्था काफी लचर है। आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी ऐसा देखने को मिला है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, मरीजों की अक्सर मौतें होती हैं सही चिकित्सा नहीं मिलने की वजह से, लोगों में जागरूकता नहीं होने की वजह से अक्सर लोगों की मौतें होती हैं। आइए दिखाते हैं एक विशेष पेशकश। हमारे देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो आज भी जिंदगी की मूलभूत जरूरतों को जुटाने में अक्षम है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी खर्च उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं। इनके लिए सरकार की तरफ से वैसे तो कई इंतजाम किए गए हैं, मगर इन व्यवस्थाओं में व्याप्त त्रुटियों के कारण ये अक्सर ऐन जरूरत के वक्त ही काम नहीं आते। आसनसोल में बने जिला अस्पताल की भी कुछ यही कहानी है।
यहाँ कई डॉक्टर हैं, कई विभाग हैं, मगर मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर यहाँ की सेवाओं से शिकायत रहती है। सुमिता जायसवाल की भी कुछ यही कहानी है। यह गर्भवती महिला गुरुवार को अस्पताल में भर्ती हुई थी, मगर शनिवार सुबह इनकी मौत हो गई। हम ये तो नहीं जानते कि सुमिता की मौत के पीछे वाकई चिकित्सकीय लापरवाही है या नहीं, जैसा कि मृतका के परिजनों का दावा है, मगर इस तरह की घटनाएं अस्पताल पर जनता का विश्वास कम जरूर करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। और अब हम बात करेंगे सड़क हादसों की। सड़क हादसों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यह कमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद खबरों के साथ होंगे हाजिर। लेटेस्ट फैशन की दुनिया का एक खास नाम मीरा कुटूर। स्पेशलिस्ट ऑफ कुर्ती, लहंगा, वेस्टर्न ड्रेसेस एंड सूट्स, इसके अलावा भी बहुत कुछ। यूनिक कलेक्शन जो आपके मन को भा जाए। और हां, महज 1500 रुपए की खरीदारी पर है आपके लिए इश्योर्ड गिफ्ट। मीरा कुटूर। बस्तिन बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9555762235। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहाँ हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध है, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहाँ है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेस। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जीटी रोड अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333304822, 8927666644। खुशखबरी आपके लिए है। खुशखबरी, आपके शहर आसनसोल में पहली बार सीधे लुधियाना से चलकर आ गया नए डिजाइनों के साथ लुधियाना उलन मेला। यहाँ गर्म कपड़ों की खरीदारी पर है 50% तक की भारी छूट। लुधियाना उलन मेले में आपको मिलेगा महज 100 रुपए में 3 शॉल, 100 रुपए में 3 बेबी कंबल और सिर्फ 70 रुपए में 1 उलन ब्लाउज। इसके अलावा हमारे यहाँ जयपुरी रजाई, मिंक कंबल, कोरियन कंबल, जैकेट, कार्डिगन, स्वेटर शॉल, स्टॉल, कश्मीरी सूट पीस, उलन बाबा सूट इत्यादि अलग अलग कीमतों में उपलब्ध है। जो 100 टकाए 3 शॉल नीते चान
একশো টাকায়, তিনটে কম্বল এবং মাত্র ৭০ টাকায়। উলেন ব্লাউজ নিতে চান তাহলে চলে আসুন লুধিয়ানা উলেন মেলায়। লুধিয়ানা উলেন মেলা, রামবন্ধু তালাব, অপোজিট HDFC ব্যাংক অ্যান্ড নিয়ার অটো মার্কেট, জিটি রোড, আসানসোল। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विश्व बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विश्वभव की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पिक पुखराज, नीला, टोपास, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। सोने चांदी के आभूषणों का एक भरोसेमंद नाम न्यू आनंदी ज्वेलर्स। न्यू आनंदी ज्वेलर्स में आपके हर बजट के गहने उपलब्ध हैं। शादी ब्याह, तीज त्योहार के अलावा किसी भी आयोजन में सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करनी हो तो सीधे चले आइए न्यू आनंदी ज्वेलर्स में। यहाँ हर खरीदारी पर पाइए आकर्षक उपहार। न्यू आनंदी ज्वेलर्स, ADDA मार्केट, ई ब्लॉक, नियर इलाहाबाद बैंक ATM, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9749536949। ब्रेक के बाद एक बार फिर से जोड़ेंगे आपको खबरों के साथ। हम बता रहे थे कि सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़कों पर लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। आसनसोल शहर के सबसे व्यस्त जगह जो हॉटन रोड इलाका है, हॉटन रोड मोड़ पर कल रात लगभग 11 बजे एक ऑटो और एक बिचाली लदे ट्रक में सीधे टक्कर हुई, जिसमें ऑटो चालक की गंभीर रूप से मौत हो गई। वहां पे मौके पर ही मौत हुई और ऑटो पर सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि आखिर मामला क्या है। सड़क हादसे ने शहर में एक और जिंदगी को मौत की नींद सुला दी। शुक्रवार रात को आसनसोल स्थित जीटी रोड पर हुए इस हादसे में एक ऑटो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो की टक्कर बिचाली से भरे एक ट्रक से हो गई, जिससे ये हादसा हुआ। उधर सारे गाड़ी तो टेम्पू जा रही थी, टेम्पू जा रही थी तो वहाँ से ट्रक आ रही थी स्पीड में, तो ये गाड़ी जा रही थी, साथ में एक पैसेंजर थी, साथ में आई गाड़ी निकल गई। हादसे के उपरांत स्थानीय जनता ने जमकर हंगामा मचाया। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इंसानी जिंदगी का ऐसा नुकसान आखिर कब तक होता रहेगा, कब हमारे शहर की सड़कें सुरक्षित होंगी। खास बात आसनसोल, यातायात व्यवस्था आज भी उतनी उन्नत नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग दावे करते हैं कि हमारी यातायात व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था अच्छी हो गई है, लेकिन आज भी परिवहन व्यवस्था काफी लचर है और इसमें काफी सुधार की जरूरत है। इन्हीं वजहों से लगातार रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आसनसोल के हॉटन रोड इलाके में भी, जो बहुत ही व्यस्त इलाका है, इस इलाके में रात के 11 बजे एक ऑटो और एक बिचाली लदे ट्रक में आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें मौके पर ही मौत हो गई ऑटो चालक की और आसपास काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है, इसी को पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। आधुनिक शहर तथा मजबूत यातायात व्यवस्था एक दूसरे के परिपूरक हैं। सड़क पर उतरे किसी राहगीर के मन में अगर अपने जीवन को लेकर असुरक्षा की भावना रहे तो इसे उस शहर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आसनसोल में आए दिन हो रहे सड़क हादसे शहर के लिए अच्छा विज्ञापन नहीं है।
शुक्रवार रात को जीटी रोड पर हुए सड़क हादसे में एक ऑटो चालक की असमय ही मौत हो गई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि यह उन तमाम उम्मीदों और संभावनाओं की मौत है जो इस शख्स के साथ जुड़ी थी। शहर की जनता प्रशासन से इतनी उम्मीद तो कर ही सकती है कि सड़क पे इन्हें इस तरह बेमौत न मरना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट खास बात। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। जाइएगा मत, देखते रहिए खास बात। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। विशुद्ध गोरुर दूध माने बसुंधरा डेयरी फार्म থেকে সরাসরি টাটকা দুধ এবার পৌঁছে যাবে আপনার বাড়িতে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রত্যহ গরুর দুধ সংগ্রহ করে পাস্টুরাইজড এবং হোমোজেনাইজড পদ্ধতিতে এই প্রথমবার পুরুলিয়াতে প্যাকেট দুধ প্রস্তুত করা হয়, যা আপনারা পেয়ে যাবেন হাফ লিটার ও এক লিটারের পাউচে। আমাদের ঠিকানা বসুন্ধরা, নিয়ার পুরুলিয়া জেলা পরিষদ, মুন্সেফ ডাঙ্গা, পুরুলিয়া। বসুন্ধরা দুধের আসানসোলে ডিস্ট্রিবিউটর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, রেল পার্ক, ওকে রোড, আসানসোল। ফোন নাম্বার 9771007861, 7699997282। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहाँ हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहाँ है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेस। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जीटी रोड अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333304822, 8927666644। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को जोड़ते हैं खबरों के साथ। आपको बता दें कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक लेनिन की जयंती मनाई गई। आसनसोल में भी उनकी प्रतिमा पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों ने पुष्प माला अर्पित किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी मूर्ति पर और उनकी जीवनी को रेखांकित किया। रूसी आंदोलन के जनक कहे जाने वाले व्लादिमीर उलिच उलियानोव या लेनिन की जयंती माकपा की तरफ से पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर आसनसोल के हटन रोड मोड़ पर बने लेनिन की प्रतिमा पर स्थानीय माकपा नेताओं ने माल्यार्पण किया। আপনারা জানেন যে 1917 সালে 17 নভেম্বর সোভিয়েত রাশিয়ার মার্ক্সবাদের যে প্রয়োগ,
সেখানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে প্রতিষ্ঠা, সেই প্রতিষ্ঠা সারা পৃথিবীর বুকে একটা বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা, সেই সমাজ ব্যবস্থা মানুষের সামনে এসেছে অনেক শ্রমিক। और अब बात करेंगे ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम की। बर्णपुर इलाके में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने खास तौर से हिस्सा लिया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरह से वह सड़क पर चलें और परिवहन व्यवस्था और परिवहन से जुड़े संकेतों के बारे में उन्हें विस्तार से बताया गया। नई पीढ़ी में ट्रैफिक को लेकर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से बर्णपुर बॉयज हाई स्कूल में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाए गए इस कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर कौशिक दास ने विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। सबका हाथ में है ना? एक नंबर में देखो, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी चला नहीं सकता। मतलब जिसका होगा उसका लाइसेंस उसी का साथ, जो ड्राइवर है उसी का साथ रखना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, एक नंबर में है कि नहीं? ये गाड़ी चलाने के लिए ये जरूरी है। मतलब कोई गाड़ी चलाएगा तो उसको पूछा जाएगा, हम लोग पूछेंगे कि आप क्यों गाड़ी चला रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे शहर की यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी। खास बात बर्णपुर। आपको बता दें कि खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है, आप अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास कैमरा है तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फुटेज भेज सकते हैं। वीडियो फुटेज के साथ साथ पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, आप टाइप करके टेक्स्ट हमें भेज सकते हैं। आपकी जानकारी अगर पुष्ट हुई, आपकी जानकारी अगर सही हुई तो हम उसे अपनी खबरों में, अपने बुलेटिन में शामिल करेंगे आपके नाम के साथ। आपको बता दें कि खास बात का हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है। जागरूक होइए और हमें थोड़ा सहयोग कीजिए, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की खबरें हम तक पहुंचाइए, फौरन हमें सूचित कीजिए। आइए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज की सुर्खियां। सुर्खियों के बाद एक बार फिर से अभी हम आपको दिखा रहे थे आज की सुर्खियां और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।